प्रोग्राम जुर्म अंजाम के साथ मैं हूं तारिक हफीज। लाहौर शहर में मुख्तलिफ वारदातें बढ़ती चली जा रही हैं और खुसूसन अगर मर्डर्स की बात करें तो आए रोज कोई ना कोई कत्ल जो है वो सामने आ जाता है। ग्रीन टाउन के इलाके बागड़िया में एक फैमिली के यहाँ ये कत्ल की वारदात हुई। राशिद नामी शख्स को बुला के कत्ल किया गया। दोस्त था जिसने बुलाया और दोस्त ही ऐसा मतलब धोखा देते हैं। आखिर वजह क्या थी और किस वजह से उसको कत्ल किया, राशिद का कैरेक्टर क्या था, पहले मोहल्लेदारों से जानेंगे उसके बाद फैमिली का रुख करेंगे। तो क्या उस दिन क्या हुआ था, राशिद को बुलाया गया था कहीं जी? कहाँ पे? दादा जरा उसको बुलाया गया, फोन किया गया और मलक फरूक ने किया सर फोन, उधर से फोन किया उसने कि दादा साहब चले गए, ठीक है मोटरसाइकिल लिया, उधर से मोटरसाइकिल लेंगे शेहूपुरा फूकाबाद की तरफ से, ठीक है इधर से पैसे लिए इसने साथ, मामा को बताया कि मामा उस उसके साथ जा रहा है उनके साथ, ये उधर से चला गया यहाँ से और उधर गया, उधर से उन दोनों ने गैप किया कहीं, पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, इधर फोन करते रहे उनको। राशिद की कभी लड़ाई वगैरह हुई मोहल्ले में किसी से, कभी कजन के साथ? नहीं कभी, कभी नहीं। कितना अर्सा हो गया राशिद को यहाँ रहते हुए? पच्चीस साल से यहाँ पे है राशिद। नाजरीन, पुरानी दुश्मनी इतने बड़े इंतकाम की तरफ कैसे बढ़ सकती है? नारोवाल के इलाके में ये खानदान आबाद था जहाँ पर एक क्रिकेट खेलने पर कुछ झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद कुछ मर्डर हुए तो इन पर पर्चा हुआ, पर्चा होने के बाद कुछ लोग जेल में चले गए, फिर उसके बाद उन्होंने इनका पीछा किया, ये लोग यहाँ लाहौर में आके आबाद हो गए। तो कुछ दिन कबल ही जो इनका बेटा राशिद था, 26 साल राशिद को मलिक फारूक नामी शख्स की कॉल आती है उसके दोस्त की और उसे बुलाया जाता है दाता दरबार, लेकिन उसके बाद कुछ पता नहीं होता कि राशिद किस जगह पर है। ये लोग राशिद के नंबर पर ट्राई करते रहे लेकिन राशिद का नंबर बंद रहा, उसके साथ साथ मलिक फारूक जो उसका दोस्त था जिसने बुलाया था उसका नंबर भी ट्राई किया, वो भी बंद था। मैं राशिद के भाई हूँ और दोस्त भी हूँ, साथ ही काम करता था मेरे। अच्छा, छोटे ही थे। क्या काम करता था राशिद? कारपेंटर है, लकड़ी का काम करता है। आप भी कारपेंटर? जी जी। अच्छा, तो बहुत शॉर्ट लगा है हमें क्योंकि हमारे साथ था, ठीक है, छोटे छोटे थे जबकि आए हुए हैं काम पे। हाँ, तो अब बहुत कमी महसूस होती है उसकी, जब भी काम पे जाते हैं ना तो हर तरफ वही नज़र आ रहा है, ठीक है, क्योंकि भाई भी था, दोस्त भी था, सारा कुछ। कभी कोई लड़ाई नहीं हुई राशिद की? कभी नहीं, 15 साल हो गए मेरे साथ रह रहा था, ऐसे मसलन कि जैसे दोस्त और भाई, सारा कुछ मेरा वही था, ठीक है। अच्छा, तो ये जब ये मलिक फारूक ने बुलाया उसे, मलिक फारूक कभी मिला आपके साथ उसे? वो जो थे ना अपना राजपूत जिनके साथ झगड़ा था या जो भी था, ठीक है, उन लोगों ने अब मशवरा करके सारा कुछ करके उसके पीछे लगाया, उसका दोस्त बनाया उसको, ठीक है, पैसे दिए जो भी किया, उसको बुलाया है अपना फरुखाबाद, वहाँ पे उनके रिश्तेदार भी हैं जिनके साथ झगड़ा था, इसके भी रिश्तेदार हैं मलिक फारूक के, सारे तल्लुकात उनके थे वहाँ पे, थानों में बाहर SHO जो भी हैं सारे उनके हैं, उन्होंने प्लानिंग करके सारा कुछ करके ये किया है। राशिद अपने मामू के साथ रहता रहा है और राशिद को इन्हीं लड़ाई झगड़ों की वजह से उनके मामू वहाँ से गांव से यहाँ पर ले आए ताकि लाहौर में रह के पढ़े, काम सीखे और अपना काम करे। राशिद अपना काम भी कर रहा था और जो मामू के पास जिनके पास वो रहता था वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। आपके पास था जी राशिद, आप लेके आए थे उसे? मेरे पास था। क्या नीयत थी वहाँ से लाने की? मेरी नीयत ये है कि काम करे, मेरी बहन का सहारा बने। मेरे पास काम कर रहा था, मैं उसको गाँव नहीं जाने देता। अच्छा, कहाँ कब लड़ाई हुई उसको नहीं पता, मैं कहीं भी नहीं उसको जाने देता। गांव में लड़ाई हुई है इनकी राजपूतों की आपस में, मेरा बेटा उधर, मेरा पांजा तो काम कर रहा था उधर, मतलब क्रिकेट खेल रहा था, ठीक है, उनका वो भी उन्होंने बता दिया कि ये इनके साथ है, वहाँ से लड़ाई हुई। मैं उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देखना मैं अपने बच्चे को कहीं भी नहीं जा रहा था, उतो लड़ाई हुई है ना भी इतने आ गए ने, केस भुगत रहे हैं अभी, ये इतने आ गए ने, आ गए तो इतने मतलब मेरे को मैं भैन मेरी आ गई मुझे, मैं वो अंदर ने केस भुगत रहे हैं अभी, जो मेरा मनोई आया तो मतलब उधर चले गए, राशिद भी उधर चला गया कोई साल में। ये क्या मामला है जी, क्यों ये लड़ाई, कोई पुरानी दुश्मनी पुरानी है? कोई दुश्मनी नहीं थी हमारी पुरानी, कोई दुश्मनी नहीं थी इनकी, आपस में दुश्मनी थी सारे बहनोई की।
किस किस की, कौन कौन से साले बहनों? राजपूत और राणा रहमतुल्ला। अच्छा ठीक है। इनकी आपस में दुश्मनी थी, इन्होंने हमारे जो भाई ये अंदर है भांजा मेरा या भतीजा, उसको इस्तेमाल करके ये सारी लड़ाई करवाई है। कैसे लड़ाई की इब्तदा कैसे हुई, कहाँ से हुई? इब्तदा ऐसे हुई कि ये ना मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे थे, नारोवाल में, नारोवाल नहीं रैया खास के साथ ना गांव है मजाहत। अच्छा, ये जिला नारोवाल में? जिला नारोवाल। अच्छा, थाना रैया खास है, मजाहत गांव है, उधर क्रिकेट खेल रहे थे। तो पहले इनकी लड़ाई एक हफ्ता पहले हुई थी अमजद राजपूत और राणा रहमतुल्ला। अच्छा, वो मैंने छिड़ाई थी, मैं खुद उसका हुआ। ठीक है, उसका पर्चा उधर रैया थाना में दर्ज है। उधर लड़ाई पता नहीं किसकी हुई, इन्होंने नामा मारा लगा दिया और उसमें हमारे 8 बंदों पे पर्चा हुआ था। ठीक है, ये लड़ाई 2010 में हुई थी? 2010 आज 8 साल पहले। 8 साल पहले। ठीक है, वो हम बहुत रहे हैं अभी तक केस बहुत रहे हैं, हम उसमें दो को एक को उम्र कैद है, एक को सजा, वो सजा काट रहे हैं, सजा काट रहे हैं, एक को 10 साल सजा है। अच्छा, 3 अंदर है। तो हमारी ना तो कोई अप्रोच थी ना हमारी कोई जायदाद थी, इन्होंने जज साहब से अप्रोच करवा के उधर जो है वो सजा दिलवाई है। अच्छा, सजा होगी, उसके बाद फिर क्या हुआ, आप लोग यहाँ पे आ गए? हम इधर शिफ्ट हो गए लाहौर में, ये हुए थे उधर भगवानपुरा में, तो एक साल पहले, 1.5 साल पहले, 1 अप्रैल 2017 को वो भाई को कत्ल कर दिया। आपके भाई को? हाँ जी। आप भी यहीं पर रहते हैं? मैं उनका मलेदार हूँ। अच्छा, तो क्या कोई कभी लड़ाई वगैरह हुई राशिद की? नहीं, बहुत नाइस अच्छा बच्चा था, कम से कम मुझे 6-7 साल हो गए हमारे पास हो रहा। अच्छा, तो शो ही नहीं हुआ यहाँ पे मलेदार को, ऐसा लफंगा बच्चा को, बहुत नाइस, कभी कोई लड़ाई नहीं हुई, कभी कोई गलत नहीं बोला, किसी को बोला ऊपर नहीं, जी करके बुलाना उसने प्यार में, बस। तो दुख है इस वाके का आपको? बहुत ज़्यादा, हमें मलेदार के नाते बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। आप भी यहीं पर रहते हैं? मेरा ये सामने घर है, बिल्कुल सामने, बस छत पे खड़ा होकर मैं सब बातें करता हूँ। अच्छा, इतनी शराफत की ये है, काफ़ी अटैच था मोहल्लेदार, काफ़ी अटैच था, और ये जो कुछ भी उसके साथ हुआ जुलम हुआ थे, दिली सदमा हुआ हमें सब, बिल्कुल ऐसा था जैसे रिश्तेदार होते हैं। तो कैसे, मतलब ये पुरानी दुश्मनी कोई इनकी चली आ रही है जो इनका? तो आपको सबको इल्म हो चुका है, जो उनके देते हैं कारक ने आपको बताया, जो मोहल्लेदार होने के नाते हम बता रहे हैं आपको, वो यही है कि नहायत ही शरीफ इंसान था बच्चा, था शरीफ इंसान था। आप क्या लगती हैं राशिद की? अच्छा, यहीं पे रहती हैं? नहीं, हाँ जी, हम लाहौर पे रहते, पहले गाँव थे, लड़ाई के बाद ही हम लाहौर आए। अच्छा, लड़ाई के बाद पूरा खानदान यहाँ पे आ गया? जी। परेशान थे मतलब लड़ाई के बाद? जी, धमकियाँ देते थे हमें, आपको भी धमकियाँ? डर था हमें कि हमारे बच्चों को ना पकड़ लें, और हम लाहौर आ गए। तो जब 2017 में राशिद के वालिद को कत्ल किया गया, तो उसके बाद भी आप ये वो यहाँ तक आ गए थे? हाँ, मेरे भाई के पीछे आए, उन्होंने घर तक पता लगवा लिया था। क्या वो इतने मजबूत हैं वो लोग? जी, बहुत मजबूत हैं, उनकी ज़मीनें ज़्यादाते हैं, वो बहुत से लोग हैं, खानदान है पूरा उनका, हमारे साथ कोई भी नहीं है, हम गरीब लोग हैं। दुश्मनी क्या है वैसे, वो बस एक भाई? कोई खास दुश्मनी नहीं है उनके साथ, बस वो बाहर बच्चा खेलने गया है, उसकी वजह से उनके मामे के साथ उनकी दुश्मनी थी। अच्छा, वही दुश्मनी उन्होंने हमारे सर पे डाल दी, हमारे बच्चों पे कतर। तो ये राशिद का आपको कब पता चला? गायब होने का तो आपको पहले पता चल गया होगा? जी, दो दिन बाद पता चला हमें, उसी दिन अगले दिन ही फोन कर दिया, रात को गया तो अगले दिन ये हमारा भाई लगता है, इन्होंने फोन कर दिया, सारे रिश्तेदारों को पूछा कि किधर आया राशिद, किसी के पास भी नहीं था, उन्होंने तो जाते ही खत्म कर दिया था उसको। आप राशिद के चचा हैं? उसके बाद ये वकुआ राशिद वाला हो गया। अच्छा, तो राशिद वाला वकुआ कैसे आपको पता चला, कब राशिद को किसी ने बुलाया था? राशिद को मलक फरूक नामी आदमी है नारवाल का। अच्छा, वो दोस्त है? दोस्त है उसका। उसने इधर फोन करके बुलाया था दादा साहब। अच्छा, उसके बाद नहीं पता चला। कोई काम बुलाया था वहाँ पे? ये नहीं पता हमें क्या काम किया। अच्छा, तो जब ये दुश्मनी हुई आपस में, जो लड़ाई हुई, तो मामला निपटाने के लिए वहाँ पे लोगों ने, पंचायती सिस्टम भी तो जाहिर है गांव में होता है, तो किसी बड़े लोग बंदे ने, बड़े लोगों ने मामला रफा दफा नहीं करवाया? नहीं, हमारा आपने कोशिश नहीं की? या कोशिश की, कोई बीच में नहीं आता। अच्छा, ये जो खानदान है जिसके साथ आपकी लड़ाई हुई, जिन्होंने मतलब मर्डर किया जो भी है,
वो पहले भी मतलब मर्डर करते रहे या पहले भी इस किस्म का जुर्म किया उन्होंने कोई? पहले कत्ल तो नहीं किया, छोटी मोटी वारदातें पहले भी करते थे। तो जब आपको पता था ये वारदात ही है तो उनसे थोड़ा सा बचना तो चाहिए था या कोशिश की थी? एक ही गाँव में रहते थे हम। अच्छा अच्छा, तो उनके साथ थी हमारी सलाम पहले। अच्छा, गल की कि तुम एड्डी जल्दी क्यों दफनाता? उन्हें कहा जी असं अपने कानूनी कार्रवाई पूरी करके दफना, क्योंकि शनाख्ती कार्ड वगैरह भी नहीं लगे कोई चीज नहीं। 20-25 हज़ार रुपया लेके गया उन्होंने ऐलान बरल वो थे किराए पुलिस ऐलान कराया उन्होंने पट्टी भी अपने जिले चलाई यानी कि उन्होंने अपनी कानूनी की। मैं सर आधे तो लॉज में सरदगाने रख दो नहीं हाँ तेन आसा हला भी लेना सी।